जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ की है कि अगर आपने ट्वेल्थ किए अभी अभी या एक दो साल हुए हैं आपकी ट्वेल्थ हुए तो आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, और अगर आप ये दोनों चीज़ क्लियर करते हैं तो आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो ये जो होती है इसको हम 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं, TES टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 है ये, और इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर चलते हैं हम, कि 10 तारीख को 10 अगस्त को फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपने तैयार रहना इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फीस इसमें कुछ लगती नहीं है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे जनरल है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है। एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10+2 होनी चाहिए, पीसीएम साथ में होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। वैसे ये फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 70% है, कट ऑफ जो होती है वो 80 से कम तो कभी भी नहीं जाती, 85 के आसपास भी पहुंच जाती है, लेकिन अगर आपके 80 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको ज़रूर फिल करना चाहिए ये फॉर्म। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 16.5 से 19 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो 10 तारीख को रेडी रहिएगा, 10 अगस्त को फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएगा और ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको भर सकते हैं। और जैसे ही ये फॉर्म निकले आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर आप इन सारी चीज़ों की अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।